सिंगिंग सुपरस्टार में अपनी आवाज का जलवा बिखेर चुके शोएब अली, वही शोएब अली हैं जिनके स्कूल कॉलेज और जहां पर उन्होंने कभी अपनी जिंदगी के लम्हे गुजारे। आज हम डुंगेजा के पास में एक गांव पड़ता है झारपुड़ी, उसके एक रोड पर मौजूद थे और वहां उनका स्वागत करने के लिए मैं कैमरामैन से जाऊंगा। सबसे पहले उनके गांव के वो लोग दिखा दें, ये गांव की वो ताकत है इनके साथ में, ये छोटे छोटे बच्चे जुम्मेदार सख्त सारे लोग यहाँ मौजूद है और ये वही शोएब अली है जो सलमान को मंच से ललकारता है और अपनी आवाज से सबको दीवाना कर देता है और ये वही शोएब अली है जिसका मैंने कई बार इंटरव्यू किया है और आज ये वही शोएब अली है जिसके गले में फूल मालाएं पड़ी हैं क्योंकि ये वही शोएब अली है जो सिंगिंग सुपरस्टार शो में सबको अपना दीवाना कर चुका है। अलका, अनु मलिक, नजारे, हिमेश रेशमिया जैसे बड़े स्टार्स अपनी आवाज से इस बच्चे को नवाज चुके कि वाकई ये संगीत का हीरा है। गरीबी से लड़ सोनी टीवी पर अपनी आवाज का जलवा बिखेरने के बाद एक बार फिर हमारे साथ शोएब हैं। हम शोएब से थोड़ी सी बात करेंगे और शोएब से जानेंगे मुंबई तक और मुंबई के बाद फिर डुंगेजा तक। बेटा कैसे हो पहले तो ये बताओ आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, गांव आकर के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों बढ़िया लग रहा है? क्योंकि मैं 7 महीना मारा हूँ इधर और 7 महीना में कोई डट नहीं सकता। मुंबई में अपनी पूरी मेहनत से मैं उधर रुका था तो मुझे 7 महीना में इधर आ रहा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम पहले आपके पास आते थे और अब तो आपके पास बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास इतने मेरी जो मेहनत थी वो मेरे को टीवी तक ले गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था मैं इतने बड़े बड़े अपने फैन से। याद करिए पहली वीडियो मैंने जब आपकी बनाई थी, वो लम्हा याद करिए। याद करी थी जो आपने मेरी पहली वीडियो बनाई, मैं उसी पहली वीडियो से मैं वहाँ टीवी तक गया। अच्छा कोई गाना जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, एक गाना गा दीजिए जो हमारे लिसनर हैं जो आपके चाहने वाले में सुनना चाहते हैं, बताइए। कोई गा दो बेटा, सुहेब वही गा दो जो पहले सबसे पहले गाया था। यार हो यार, यार हो यार, इसका ने मारा हो गया मैं तो तुझ में तमाम दर सब मुझे तेरा। क्या बात है? मैं बेनाम हो गया, हो गया मैं बेनाम हो गया, गया यार हो यार। आज अपनी माँ से मिलोगे, माँ से मिलने के बाद सबसे पहले कौन सी रोटी होगी जो मांगोगे, जो खाने में तुम्हें बहुत पसंद है? क्योंकि मुंबई के होटल का खाना खाने के बाद आज आप अपनी माँ के हाथ का खाना खाओगे, क्या बनवाओगे अपनी माँ से बताओ। मैं अपनी माँ की घर की रोटी के लिए बहुत तरसाता क्योंकि उधर ऐसी रोटी नहीं थी तो मैं अपनी माँ की रोटी के लिए। ये आपके कोने बराबर में खड़े हैं, ये मेरा दोस्त है। बेटा नाम क्या है आपका, नाम बता दो। देखिए अरहान। अच्छा अरहान कैसा लग रहा है दोस्त से मिलके अपने? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इनके साथ गली में खेले हो? हाँ भूते इनके साथ खेले, जीते भी है इधर। कोई दोस्ती पे गाना गा सकते हो इनके लिए? हाँ। कोई सा गाना गा दो दोस्ती के लिए, ये दोस्ती तेरे दम से है, तुम्हें याद है? नहीं ये तो। अच्छा नहीं है याद? आता है पर थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो कोई बात। अच्छा अरहान तुम्हें कैसा लग रहा है ये बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये शोएब अली के वो यार हैं जो गली में उनके साथ रहे हैं। अब तकरीबन ये बात सच है, ये बच्चा वाकई गली के एक गली बॉय से स्टार बन गया है। सोनी सिंगिंग स्टार शो में अपनी आवाज का जलवा बिखेर रहा है। सलमान तो निकल चुके हैं, अब शोएब अली के राह थोड़ी सी आसान हो गई क्योंकि आपका प्यार लगातार इस बच्चे को मिल रहा है। तब तक के लिए इंतजार, एक दिन शोएब अली आएगा और बिनर बर के सिंगिंग सुपरस्टार का जो ताज है वो अपने सर लेकर के आएगा।